आज की परफॉर्मेंस कमाल की। थैंक यू सो मच, ये लें आपका ऑटोग्राफ। मिस मेहताब, ये फूल मेरी तरफ से आपके लिए। ये इन्हें लाने की क्या जरूरत थी। थैंक यू सो मच मेहताब मैडम। इस खूबसूरत फूल के साथ हमारा आज रात का डिनर भी कबूल कीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे साथ डिनर पर जाना मुश्किल है। चले अब मैं आराम करने जा रही हूँ। बहुत थक गई हूँ मैं, मुझसे अब झूठ नहीं बोला जाता। मेरी जान, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। ये तो बस एक वायलिन बजाने वाला है। मेरी जान, बताएं कि आप इनको सुनना पसंद करेंगी? हाँ जरूर सुनूंगी, चलो शुरू करो। हाय मेरे अल्लाह, ये आवाज, ये आवाज, नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। क्या हुआ लड़के, तुमने मशहूर मेहताब अल्तनिस की आवाज नहीं पहचानी? मेहताब अल्तनिस की आवाज? हाँ, माफ कीजिएगा मुझे, मैंने आपको बिल्कुल नहीं पहचाना, बल्कि आपने मुझे मेरी महबूबा की याद दिला दी, जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता हूं। हाँ, वो जो भी थी, लेकिन इसके जैसी खूबसूरत नहीं हो सकती। ये तो मैं भी नहीं जानता, मैं अंधा हूं। मैं ये वायलिन बजा के अपना गुजारा कर रहा हूं। प्लीज आप लोग मेरे जज्बात के साथ मत खेलिए। क्या कहा, तुम अंधे हो? हाँ, अंधा हूं। प्लीज आप दोनों मुझ पे तरस मत खाइएगा, बिल्कुल। आपसे गुजारिश है, मेरे जज्बात के साथ मत खेलिए। लेकिन क्यों, क्यों हो तुम अंधे? जिससे मैंने प्यार किया था, उस महबूबा ने मुझे धोखा दे दिया और मैं अंधा हो गया। आपको यह बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? उसने आपको धोखा दिया और आप अंधे हो गए, कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं है। क्या मतलब यकीन नहीं है? मैं अंधा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे झूठा कहेंगे। आप लोग क्यों मेरे जज्बात के साथ खेल रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि अब आप ये सारी बातें खत्म करें और जो अपना काम है वो करें। जो मैं कह रही हूँ वो ही करना होगा। सुन लिया आपने? अगर आप यही चाहती हैं, तो ठीक है, बजा देता हूं। बजा रहा है? आई,
तौबा, मैं इतनी फारिग हूँ कि कितनी फजूल बातें सोच रही हूँ जिनका असल में कहीं से भी कोई दुखी नहीं बनता है। इसमें क्या नई बात है, आप तो सोचती रहती हैं डेफने। सही कहा,